हेलो गाइस, ये है अगर उसका सीज अभी अवेलेबल हो गया है, मतलब अभी जुलाई से होके अगस्त तक ये अवेलेबल रहेगा क्योंकि ये सीजनेबल है। ठीक है, अभी मैंने इसको पेड़ से तोड़ा है क्योंकि दो ऑर्डर मेरे पास आया है, वहां पे भेजना होगा। तो अगर आप लोगों को किसी को अगर उसका सीज चाहिए तो अभी मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। ठीक है, और गाइस मेरे पास प्रीपेड और सीओडी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी में भी होम डिलीवरी कर सकता हूँ, लेकिन 100 रुपया में सिक्योरिटी पेमेंट के तौर पे आप लोगों से एडवांस लूंगा। ठीक है, और गाइस 1 केजी बीच में 900 या 1000 मैक्सिमम सीट्स आ जाएगा आप लोगों को, मतलब 900 या 1000 आप लोग प्लान बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को कैसे जर्मिनेशन करना चाहिए मैं पूरा आप लोगों को गाइड करूंगा। अगर आप लोग मेरे से 20 खरीदेगा तो मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा कैसे जर्मिनेशन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है कैसे जर्मिनेशन करना चाहिए अखरोट का सीड्स, और मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा कैसे जर्मिनेशन करना है। और मेरे पास अभी अवेलेबल है पूरा सीड्स, जो हमारा इंडियन वेराइटी का ही सीड्स अवेलेबल है। आप लोगों ने शायद मेरे वीडियो पर देखा होगा क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से करता हूँ, और जो सीड्स मैंने लिया है वो नेचुरल तरीके से उड बनने वाला पेड़ से लिया है। ठीक है, क्योंकि सीड्स का मदर प्लांट नेचुरल तरीके से उड बनने वाला पेड़ है। ठीक है, ये देखिए ये मिश्योर्ट हो गया है, इसको अभी जर्मिनेशन के लिए आप लोग रख सकते हैं मिट्टी में, और कोकोपिन मिक्स करके इसको अगर ऐसे लगा देगा तो इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। और गाइस मैं केजी के हिसाब से भी आप लोगों को देता हूँ सीड्स, और पीस के हिसाब से भी देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर कोभार के साथ भी सीड्स चाहिए या बिना कोभार, उससे भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि डैमेज नहीं होगा। और ग्रीन कलर का जो एक कोभार के बीच में दो सीड्स रहता है, मतलब दो बीज रहता है, और अगर आप लोग इनको जर्मिनेशन के लिए रखेगा तो इससे दो प्लांट बनेगा। ठीक है, एक कोभार के बीच में दो सीड्स रहता है और ये पूरा मिच्योर्ड है। अगर इसको अभी जर्मिनेशन के लिए रखेगा तो 100% आप लोग सक्सेस हो जाएगा। और गाइस अभी मैं इसको केजी के हिसाब से वेट करके रखा हूँ, मतलब एक पॉलीथीन में 1 केजी 1 केजी के हिसाब से इसको मैं भर के रखा हूँ। उसके बाद में इसको मैं गाइस धूप में सुखाने के लिए रखूँगा। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे धूप में सुखाने के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि तभी क्या होता है, इसके जो वाटर है ना, इसके अंदर तो सीड्स के कोभार के साथ भेजा हूँ, इसके अंदर थोड़ा वाटर है, वो मतलब धूप में सूख जाएगा, तभी सीड्स डैमेज नहीं होता है, नहीं तो क्या होता है वेपर फॉर्म होके इसमें फंगस आ जाएगा, तो इसीलिए मैं सुखा के भेज रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे नर्सरी या घर आके भी अगर आप लोग कलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस दिया हुआ है, मेरा मतलब स्टेट है असम और डिस्ट्रिक्ट है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और मेरा विलेज का नाम है ओकागन। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं मेरे घर से भी, आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि उन लोगों को पता चले कि अगर उसका सीड्स अभी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो इतना ही था, मैंने आप लोगों को सीड्स दिखाया, तो आज के लिए बाय, जय आपको।